आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम गाजर का कांजी पानी बनाने जा रहे हैं। देखते हैं उसमें क्या क्या सामान यूज होता है। गाजर कांजी पानी बनाने के लिए हमें 250 ग्राम गाजर लिए हैं, 1.5 लीटर पानी, 3 चम्मच राई, 3/4 चम्मच नमक, 3/4 चम्मच मिर्च, 3/4 चम्मच हल्दी। अब हम गाजर को छीलकर काटकर कस लेते हैं और राई को दर्दरी पीस लेते हैं। पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। हमने गाजर को छीलकर काटकर धो लिया है और राई भी दर्दरी पीस ली है, पानी भी गर्म कर लिया है। अब हम इसको एक जार में लेते हैं। हमने एक जार ले लिया है, इसको धोकर सुखा लिया है। अब इसके अंदर हम अपने मसाले, ये दर्दरी पीसी हुई राई, ये नमक, मिर्च, हल्दी, इसके अंदर हम ये थोड़ा सा गर्म पानी डालते हैं और गर्म पानी डालने के बाद हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिला देंगे। पानी ज़्यादा आप तेज़ गर्म ना लें, थोड़ा बस सील गर्म सा ही लें जिसमें कि आप हाथ डाल सकें। हमने ये 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर ये हम अपने गाजर ऐड कर देते हैं। ये खट्टा पानी चटपटा सा बड़ा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है और हाजमा भी अच्छा लगता है, ठंडा भी होता है कि पेट को ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि गाजर ठंडी होती है। गर्म पानी हमने इसलिए यूज किया है जिससे कि हमारा पानी जल्दी तैयार हो जाए। अब फिर हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये हमारा पानी तैयार है। इसको हम बंद करके 3 दिन के लिए रख देते हैं। 3 दिन के बाद ये पानी हमारा तैयार मिलेगा। आप इसे गाजर के साथ भी पी सकते हैं और गाजर अकेले भी खा सकते हैं। ये बहुत खाने में पीने में बहुत टेस्टी लगता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।